नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से चाणक्य नीति के एक और ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में चालबाज औरतों के लक्षण बताए। ऐसी महिलाओं से किसी भी पुरुष को सदैव सावधान ही रहना चाहिए, नहीं तो उसका अनर्थ होना तय होता है। क्योंकि ऐसे पुरुष जब किसी ऐसी स्त्री के मोह जाल में फंस जाते हैं तो उन्हें मृत्यु के अलावा कोई अन्य चीज मुक्ति नहीं दे सकती। क्योंकि ऐसी दुष्ट स्त्रियों की माया ही ऐसी होती है कि वह बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष की मति को भी भ्रष्ट कर देती है। दोस्तों, इसके सामने बड़े बड़े तपस्वी अपना मनोबल खोल देते हैं तो साधारण मनुष्य का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी ऐसी स्त्री के मोह में पड़ रहे हैं तो सावधान हो जाएं, अपने कदम पीछे खींच लीजिए। क्योंकि आप ऐसे मार्ग पर चलने जा रहे हैं जहां से लौटना असंभव है। ऐसा मार्ग आपको अनर्थ की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, स्त्री भले ही रूप से सुंदर हो, बातें उसकी मधुर हो, लेकिन अगर उसके मन के अंदर छिपा कपट जानना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। बड़े बड़े विद्वान भी स्त्रियों के मन का कपट नहीं जान पाते। इसी कारण पुरुष ऐसी स्त्रियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हैं और खुद का ही विनाश कर लेते हैं। दोस्तों, जो साधारण मानव अपने मन बुद्धि तथा इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते, वो ऐसी स्त्रियों के निकट भी ना जाएं अथवा ऐसी स्त्री का नाम भी ना लें, क्योंकि ये उन्हें विनाश की ओर ही ले जाएगा। ऐसी स्त्री का सहवास उन्हीं पुरुषों को करना चाहिए जो अपनी इंद्रियों को और अपने मन को बस में कर पाते हो, जो भावनाओं की कदर ना करता हो अथवा जिसका मन कठोर हो और किसी के द्वारा ठुकराए जाने पर उसे कोई फर्क ना पड़ता हो। वही पुरुष ऐसी स्त्री का सहवास कर सकता है। परंतु जिस व्यक्ति का हृदय कमजोर हो और जो दुख और अपमान सहने की शक्ति ना रखता हो, उसे तो कभी भी किसी दुष्ट स्त्री के समीप जाना नहीं चाहिए। इसीलिए अगर आपका हृदय भी कोमल है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने कि आपको किस प्रकार की स्त्री से दूर रहना है। वैसे देखा जाए तो बार बार यातनाएं मिलने के पश्चात व्यक्ति का हृदय कठोर बन जाता है। ऐसी दुष्ट स्त्री का अनुभव आने पर व्यक्ति को दोबारा कभी उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कौन सी हैं वे महिलाएं जो बुद्धिमान से बुद्धिमान शूरवीर तथा महान ज्ञानी पुरुष को भी किसी आग की तरह जलाकर राख कर देती हैं। दोस्तों, नंबर एक है मद पैदा करने वाली। दोस्तों, मद पैदा करने वाली औरतों से किसी भी बुद्धिमान पुरुष को सावधान रहना चाहिए। ऐसी औरतें जब अपना काम निकलवाना होता है तो मद पैदा करती हैं और मीठी बातें करती हैं, अपने रूप से मोहित करने का प्रयास करती हैं। अगर स्त्री के ऐसे हाव भाव को देखकर कोई पुरुष ऐसा समझने की भूल करता है कि वह स्त्री उससे प्रेम करती है और उस पर मोहित है, तो उस पुरुष से बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं। क्योंकि ऐसी स्त्री उस पुरुष का उपयोग करके उसे नष्ट कर देती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को मद पैदा करने वाली स्त्री से सावधानी रहना चाहिए। क्योंकि जो ऐसी स्त्रियों के मुंह में फंसता है वह मृत्यु को ही गले लगाता है। और मित्रों, नंबर दो है छल करने वाली। दोस्तों, छल करना स्त्रियों का सबसे बड़ा दुगुर। स्वार्थी स्त्री मूर्ख पुरुष के साथ छल करती है। पुरुषों के साथ ही नहीं, वो तो अन्य स्त्रियों के साथ भी छल करती है। दूसरों के घरों में झगड़े लगाना, दूसरों के घर तोड़ना इनकी दिनचर्या होती है। ऐसी औरतों को दूसरों को कष्ट में देकर आनंद मिलता है। ये औरतें विवाद करती हैं, धमकी देती हैं, दूसरों के राज जानने के पश्चात उन्हें भयादोहन करती हैं। दूसरों का अहित करने के लिए जो भी अनिष्ट कार्य हो वह बिना सोचे ही कर देती हैं। और मित्रों, नंबर तीन है निर्दयी। दोस्तों, एक बुद्धिमान मनुष्य को किसी निर्दयी स्त्री से प्रेम करने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। निर्दयी अथवा कठोर हृदय वाली स्त्री के लिए कोई अपना नहीं होता, उसका स्वार्थ ही उसके लिए सब कुछ होता है।
एक निर्दयी स्त्री अपनी वासनाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी का भी गला घोंट सकती है अथवा विष खिलाकर किसी को भी मार सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला से प्रेम करने लगता है जिसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जो उसके विषय में पल भर भी नहीं सोचती, तो वह पुरुष अत्यंत मूर्ख है, उसका विनाश होना तो तय है। और मित्र नंबर 4 है ढोंग रचने वाली। दोस्तों, जो स्त्रियां बात बात पर ढोंग रचती हैं अथवा स्वांग रचती हैं, उनसे पुरुषों को तुरंत ही दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी औरतें अपने फायदे के लिए स्वांग रचती हैं और इनके मुंह में फंसे व्यक्ति से कोई भी अनिष्ट कार्य करवा सकती हैं। इसलिए ऐसी स्त्रियों से बचकर रहें, इसी में आपकी भलाई है। और मित्रों नंबर 5 घमंडी। दोस्तों, जिस स्त्री को अपने रूप एवं यौवन पर अत्यंत घमंड है, ऐसी स्त्री से प्रेम कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी स्त्री दूसरों को तिनके के समान समझती है। वह जब उसका मन चाहे किसी के साथ होती है और जब मन चाहे वह किसी का भी त्याग कर देती है। ऐसी स्त्री के साथ रहने वाले पुरुष उनके दास बनकर रहते हैं और जीवन भर दुख झेलते हैं।